अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा माहौल का मुताला सब्जेक्ट का पीरियड है। इसमें हमें सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना ये वाला सबक पढ़ना है। इसके लिए पहले आप लोगों को मस्कन के मायने समझने होंगे। मस्कन यानी घर, ख़तरे से बचाव के लिए महफूज जगह। देखिए यहाँ पर ये बच्ची किस चीज़ से घबरा रही है, बिजली से, हवा से। तो घर, हमें घर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और चोरी का ख़तरा भी कम होता है। देखिए खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर में, जानदारों में परिंदे शामिल है। ये बया परिंदा है। बया परिंदा अपने लिए घोंसला बनाता है। उसके बाद ये चिड़िया से छोटा परिंदा है, दर्जी परिंदा, ये भी अपने लिए घोंसला बनाता है। फिर कुछ चूहे होते हैं, चूहे खेतों में और घरों में बिल बनाते हैं। उसके बाद माहौल में बना बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर, ऐसे जानवर, ऐसे परिंदे, जैसे कबूतर है। कबूतर अपने लिए घोंसला नहीं बनाता। शेर उसके गारों में रहता है, पहाड़ की गारों में रहता है। चमगादड़ दरख्त की ऊंची शाखों पर रहती है या सुनसान इमारतों में रहती है। कुछ कीड़े भी अपने लिए घर बनाते हैं, जैसे शहद की मक्खी अपने लिए ऊंची शाख पर छत्ता बनाती है। चींटियाँ मिट्टी में अपना घर बनाती है, मिट्टी में अपने बिल बनाती है, घर बनाती है। इसी तरह पालतू जानवरों का मस्कन, कुछ लोग जानवर पालते हैं और उनके लिए घर बनाते हैं। जैसे मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं। मुर्गियाँ पालते हैं हम और उनके लिए डरबे बनाते हैं। गाय पालते हैं, गाय के लिए कोठा बनाया जाता है जहाँ पर उनको रखा जाता है। इसी तरह घोड़ा पालते हैं, घोड़ों के मस्कन को अस्तबल कहते हैं, अस्तबल में उनको रखा जाता है। तो इस तरह आज हमने सीखा कि ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए मस्कन की ज़रूरत होती है और पालते हैं जानवर।